और दोस्तों, एम एफ फार्मिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका ट्रैक्टर कई बार समस्या आ जाती है, किसान भाइयों को चाबी से स्टार्ट नहीं होता तो उनको कई बार प्रॉब्लम आ जाती है। वो चाबी से स्टार्ट करते हैं, चाबी से स्टार्ट नहीं होता, लेकिन अगर वो डायरेक्टली इसको स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, स्टार्टर से यहाँ से डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट हो जाता है ट्रैक्टर। तो ये चाबी से स्टार्ट क्यों नहीं होता दोस्तों, इस समस्या का समाधान मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये समस्या आमतौर पर कई बार आ जाती है किसान भाइयों के बीच में, इस गियर को ज़्यादा बार ज़्यादा छेड़ने की वजह से। जो इसका सेंसर होता है, ये सेंसर होता है दोस्तों, यहाँ पे गियर बॉक्स का सेंसर होता है जो जो इससे चाबी से जुड़ा होता है, चाबी के इससे स्टार्टर से जुड़ा होता है दोस्तों। तो इस सेंसर में कई बार प्रॉब्लम आ जाती है और हमें इसका क्या सॉल्यूशन करना होगा दोस्तों, मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बता देता हूँ। ये जो सेंसर जुड़ा होता है, ये देखिए, ये इस तरह की वायर से जुड़ा होता है। ये देखिए दोस्तों, आपको ये प्लग निकाल देना है यहाँ से। इसके बाद आपको क्या करना होगा दोस्तों, इसके बाद दोस्तों जो ये हमारा प्लग होता है, इस तरह की एक वायर लेंगे हम और इसको इसमें डाल देंगे, अटैच कर देंगे इसके साथ। इस तरह से इसको अटैच कर देना दोस्तों। अब ये आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ मैं ट्रैक्टर। ये सेंसर की समस्या कई बार सोनालिका ट्रैक्टर में आ जाती है दोस्तों, ये सोनालिका 750 मॉडल है। तो ये समस्या इसमें हो चुकी थी दोस्तों, ये चाबी से स्टार्ट नहीं हो रहा था, लेकिन अगर हम डायरेक्ट इसको स्टार्ट करते तो ये स्टार्ट हो जाता था। ये देखिए, आपको दिखा देता हूँ मैं, ये देखिए दोस्तों, काफ़ी आसानी से ट्रैक्टर स्टार्ट हो चुका है और ये सेंसर ख़राब होने के कारण ये चाबी से स्टार्ट नहीं हो रहा था। और अगर हम इस प्लग को जैसे यहाँ से निकाल देते हैं, अब ये स्टार्ट नहीं होगा, जैसे कि आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल फ्री हो चुकी है। और अगर हम इसको दोबारा यहाँ पे लगा देंगे, जैसे कि आपको दिखा देता हूँ मैं, ये हमने इसमें लगा दिया है और अभी हम इसको स्टार्ट करके देखते हैं। तो दोस्तों, ट्रैक्टर हमारा स्टार्ट हो चुका है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करें, शेयर करें और जुड़े रहें हमारे चैनल एमएफ फार्मिंग के साथ। धन्यवाद दोस्तों, जय किसान, जय जवान।